देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोविड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में एक गुमशुदा की तलाश है। आपको बताते चलें, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 वर्ष है, रंग सांवला है, कद 5 फुट 6 इंच है, लाल चेकदार कमीज पहने हुए हैं। नाम मोहम्मद जलीस है, जो कि 5 मई 2022 को दोपहर 2 बजे से घर से लापता है। गुमशुदा जलीस की पत्नी द्वारा बताया गया, 5 मई 2022 को दोपहर 2 बजे वह जब सोकर उठी तब देखा पति घर में नहीं है। सोचा शायद किसी काम से कहीं चले गए हैं, मगर शाम तक कहीं पता नहीं चला। बताया जा रहा है जलीस के 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। पत्नी ने जलीस को काफी खोजा, सभी रिश्तेदार और जानने वालों में फोन किए, मगर कहीं भी उनका पता नहीं चला, जिसकी वजह से पत्नी कमर जहां काफी परेशान और टेंशन में है, जिसकी सूचना 6 मई 2022 को बनबुलपुरा थाने में दे दी गई है। पुलिस भी अपने स्तर से छानबीन कर रही है। लापता जलीस के 2 छोटे बच्चों भी है, जो पापा का घर आने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। जिस किसी को भी मोहम्मद जलीस का पता चले, वह नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर बताने की कृपया करें। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।